पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ग्राम पंचायत नरखेड़ा खास में ग्राम विकास अधिकारी ने पहले हुए और वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हैं या नहीं बने, उनकी क्या हालत है, इस पर भी ध्यान दिया। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यालय के साथ साथ अन्य कामों की भी समीक्षा की। जब हमने प्रधानाचार्य से विद्यालय में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में पूछा, तो प्रधानाचार्य ने भी ग्राम विकास अधिकारी को बताया कि हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या पिछले साल के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गई है, जिसमें हमारा प्रयास भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन ले और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ उन्हें मिल सके। ग्राम प्रधान एहसान ने कहा है, बच्चों को बैठने के लिए भी टेबल का ऑर्डर दे दिया गया है, जल्द ही तैयार होकर स्कूल तक पहुंच जाएंगी। तो वहीं ब्लॉक अधिकारी ने बताया कि आज मैंने ग्राम पंचायत नरखेड़ा खास में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया, तो यहां सरकार द्वारा चल रही योजनाओं को ग्राम प्रधान एहसान अली और स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा अच्छे से धरातल पर किया जा रहा है। यहां पे टोटल 235 बच्चे हैं और यहां पर हम हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, उसके अलावा बच्चों को हम खेल कूद भी कराते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कराते हैं, जैसे खेल खेल में पढ़ना, इस टाइप की एक्टिविटी हम बच्चों को कराते हैं। सर्दियों को देखते हुए जी सरकार की तरफ से बच्चों के लिए स्वेटर आए हैं, बाकी हमारे स्कूल में फर्नीचर तो है नहीं। अभी ग्राम प्रधान की तरफ से समय समय पर स्कूल की मरम्मत होती रहती है, बाकी मिड डे मील जो है वो प्रधान जी की तरफ से आता है। मिड डे मील है, जो फल है और दूध है उसे प्रधान जी की तरफ से ही आता है। 5 सालों में सबसे पहले जो है 390 शौचालय बनवाए गए और सड़कें बनवाई गईं, 80-90 आवास मिले, कुछ लोहिया के मिले थे, कुछ पीएम आवास मिले थे वो बनवाए गए। अब जो है शासन का आदेश आया था, बतलाया गया था कि अब जो है मुख्य सचिव के आदेश हैं कि स्कूलों की जो है कायाकल्प होनी है, तो इस वक्त जो है स्कूल में कार्य चल रहा, उसमें जो है शौचालयों में जो है टाइल्स लगाई जा रही है, वॉश बेसन हाथ धोने वाला जो है उसका इंतज़ाम कराया जा रहा है, उसमें टाइल्स वगैरह लग गई, रिबोर करा दिया गया, टंकी फिट करा दी गई, जो छतों की है वो मरम्मत करा दी गई, बाकी जो है चार दीवारी वो करा दी गई हैं, और जितना जो आदेश मिल रहा बच्चों के बैठने की जो बेंचें हैं उसका ऑर्डर दे दिया गया, बेंचें बनवाई जा रही हैं बच्चों को बैठने के लिए। क्या क्या सुविधा और करेंगे आने वाले वक्त में? जो हमारा तो मतलब यह है किसी आदमी का कच्चा घर नहीं रहना चाहिए, सब लोगों को आवास मिलना चाहिए, जिसमें हमारे गाँव में 25 या 30 लोग अभी रह गए हैं जिनके घर कच्चे हैं। कितने लोगों को आवाज दिलवा दी आपने? अभी जो है 80 के करीब लोगों को आवाज मिल गया, 3 गांव हैं, गोमतपुर, नरखेड़ा और मिलक हमारे इसमें, जो कच्चे रह गए हैं। एक आगे जो है मिलक में स्कूल का रास्ता रह गया, स्कूल के बराबर से वो हमारी प्रधानी से ज़रा ज़्यादा आगे है, उसमें 14 लाख रुपये का एस्टिमेट बना था, तो वो थोड़ा सा कच्चा रह गया अभी, वो हमने विधायक जी से कहा, विधायक जी ने अपने उसमें दे भी दिया है, शायद उम्मीद ये है विधायक जी से कि वो इसी 2-3 महीने के अंदर अंदर वो भी हो जाएगा। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे जनता से, कोई अपील करना चाहेंगे किसी तरीके? नहीं, जनता से तो हम यही कहते हैं भाई, जैसे सफाई सुथराई चल रही है, सरकार ने इतना कर दिया, थोड़ा सा हमारा सहयोग करें। गांव में नालियों में जो है इधर हम सफाई कराते हैं, इधर कोई पराल डाल देता, कोई भैंसा बांध देता, कोई गोबर डाल देता, तो जनता से यही हम अपील कर रहे हैं कि भैया जितना हम कर रहे हैं हमारा भी साथ दें आप। अच्छा,